नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। राहुल की पेशी ईडी के दिल्ली दफ्तर में हुई है। इस केस में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को भी समन किया गया है, लेकिन वो बीमारी के कारण फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का बयान पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड होगा। राहुल से पूछताछ में ईडी के 3 अफसर शामिल हैं। राहुल गांधी से जवाब देने से पहले शपथ ली गई है कि वे सभी सवालों का सच सच जवाब देंगे। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अफसर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। एक अफसर राहुल गांधी के जवाबों को टाइप करेंगे, वहीं तीसरा डिप्टी डायरेक्टर रैंक का अफसर कार्रवाई की निगरानी करेगा। जी हां, आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल गांधी को 2 जून को पेश होना था, लेकिन वे विदेश में थे, ऐसे में उस वक्त पूछताछ में शामिल नहीं हो सके। अब सोमवार को ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। उधर सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित होने की वजह से अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुई हैं। अब उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उधर राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस ने सत्याग्रह बुलाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में देश भर से आए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार झुकेगा नहीं और सत्यमेव जयते जैसे नारे लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।